तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे डोडो टेक्निकल चैनल में। तो चलिए आज का टेक न्यूज शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले खबर निकल के आ रहा है टिकटॉक की तरफ से, जो कि बहुत बड़ा न्यूज है, जिसमें बताया गया था पहले कि जब जिस दिन टिकटॉक बैन हुआ था उस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे कुछ क्वेश्चन किए थे, और जिसका 22 जुलाई तक टिकटॉक को उसका आंसर देना है, और अगर वो नहीं दे पाए उसका आंसर तो टिकटॉक और साथ ही साथ 59 चाइनीज ऐप जो कि इंडिया में बैन हुआ था वो पूरी तरह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगला खबर निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि सैमसंग इस आज 15 तारीख को दो टैब लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम S7 और S7 Plus हो सकता है, और इसमें S पेन का सपोर्ट भी हो सकता है। अभी एक लीक निकल के आया है, आगे मैं इसके बारे में और डिटेल दूंगा। तो दोस्तों पबजी तो खेलना आप सभी को बहुत पसंद होगा, और साथ ही साथ मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन लीक से पता चला है कि पबजी में एक नया अपडेट आने वाला है, जिसमें कि एक न्यू मैप होगा जो कि पीसी के लिए सिर्फ। तो 22 जुलाई को ये मैप रिलीज हो जाएगा, तो हम सभी साथ में ज़रूर खेलेंगे। तो दोस्तों अगला बहुत बेहतरीन टेक न्यूज़ जो कि मैं बताने वाला हूँ वो रियलमी के बारे में है, जो रियलमी C11 बहुत दिनों से रिलीज होने वाला था उसका फाइनली लॉन्च हो गया है, और उसका प्राइस 7,500 रुपये रखा गया है। और मेन हाइलाइटेड इस फ़ोन का है बैटरी, जिसका बैटरी 5000 mAh होगा, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फ़ोन है मिड रेंज के हिसाब से, तो आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। तो वन प्लस की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें मुझे आज सभी को पूरे इंडिया को पता चल गया है कि वन प्लस में फाइनली 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा, और साथ ही साथ 30W का फास्ट चार्जर, और सामने में डुअल पंच होल कैमरा भी होगा, और जो कि 25,000 से 30,000 के बीच में आएगा। और जो कोई भी मेरे दोस्त अगर 25,000 से 30,000 के रेंज में अगर कोई फ़ोन परचेज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट फ़ोन है। अब मैं ज़रूर इसे रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि इसे परचेज करें। चलिए आगे अगले खबर की तरफ। अब यहाँ पे गूगल की तरफ से एक लीक निकल के आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि गूगल पिक्सल 4a नाम का एक फ़ोन रिलीज होने वाला है, जिसका फाइनली उन्होंने लीक करके उसका इमेज हमें दिखा दिया है। आप चाहें तो उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, और इसमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, और साथ ही साथ ये फ़ोन ऐसे तो गूगल का फ़ोन बेस्ट ही होता है, तो ये भी मेरी तरफ से अच्छा ही फ़ोन ही होगा, और बाकी इसका फीचर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही आज का टेक न्यूज़। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसे लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।